नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वायल बायस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लड़कियां इंडियन आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रही थी, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, क्योंकि इंडियन आर्मी लेकर आए हैं लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में GD पोस्ट के लिए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती केवल लड़कियों के लिए है और ये भर्ती ओपन भर्ती है, जिसमें कोई भी लड़की इस भर्ती में अप्लाई कर सकती है। और ये न्यूज बिल्कुल ही ऑफिशियल है, ये आप देख सकते हैं इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को कोई भी पार्ट आप मिस मत करना और इस वीडियो को आप अंत तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी डिफेंस रिलेटेड नए नए रिक्रूटमेंट, डिफेंस रिलेटेड नए नए फैक्ट्स और डिफेंस रिलेटेड नए नए न्यूज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती है आर्मी में वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए और ये इस साल की पहली भर्ती है लड़कियों के लिए। अगर इसमें हम पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 99 पोस्ट है लड़कियों में GD पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा, जिसकी ओपनिंग डेट इन्होंने दे रखी है 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में, जिसका एडमिट कार्ड आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल में आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें कि भर्ती कहाँ पे होगी। तो ये भर्ती आपकी होगी अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पूना में आपकी ये भर्ती कंडक्ट हो सकती है। और इसमें एक और बात कही गई है, जो की है कि कैंडिडेट के होम डिस्ट्रिक्ट में भी ये भर्ती हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये पोस्ट है सोल्जर GD की। इसमें हम एज की बात करें तो इसमें कैंडिडेट की 17.5 साल से 21 साल के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें हम हाइट की बात करें तो इसमें मिनिमम कैंडिडेट के 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें हम वेट की बात करें तो वेट आपका आपके हाइट के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को मिनिमम 10th पास होना होगा एवरेज 45% मार्क्स के साथ, और साथ ही में कैंडिडेट के 33% हर सब्जेक्ट में कैंडिडेट को मार्क्स मिले होने चाहिए। दोस्तों, इसमें अब हम हाइट में छूट की बात करें तो इसमें गोरखा, गढ़वाली, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम के कैंडिडेट को इसमें 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की छूट की बात करें तो इसमें आपको 30 साल तक आपको एज में छूट मिलेगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो दोस्तों, अब इसमें हम फिजिकल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जिसके लिए उन्होंने टाइम दे रखा है 7.5 मिनट में ग्रुप 1 और 8 मिनट में ग्रुप 2 क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 10 फीट का लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा। हाई जंप की बात करें तो इसमें 3 फीट की हाई जंप क्वालिफाई करनी होगी कैंडिडेट को। अगर कैंडिडेट लद्दाख या फिर कोई भी ऊंची पहाड़ी रीजन से बिलोंग करता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इसमें, जो कि 30 सेकंड या फिर 120 सेकंड का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आपकी नापी जाएगी, और उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जिसमें मेडिकल फिट्स कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, रिटर्न मार्क्स में हम बोनस मार्क्स की बात करें, अगर कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे रिटर्न एग्जाम में। जैसे अगर कैंडिडेट के पास NCCA सर्टिफिकेट है तो उसको 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे, अगर B सर्टिफिकेट है तो 10 बोनस मार्क्स, अगर कैंडिडेट के पास NCCC सर्टिफिकेट है तो उसको एग्जाम देने में ही छूट मिलेगी, यानी उसको एग्जाम नहीं देना होगा, और बाकी बोनस मार्क्स आपको अलग अलग आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी पूरी जानकारी इंडियन आर्मी में लड़कियों के लिए इस भर्ती की। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद।